नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट सर्च। दोस्तों आज का मैच इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ जो कि छोटा T20 मैच है। दोस्तों आज इंडिया ने 124 पे 3 विकेट के नुकसान पे, अभी इंडिया खेल रहा है 124 पे 3 विकेट। रोहित शर्मा की बैटिंग की बात करें तो 33 पे 16 गेंद खेली, 2 चौके 3 छक्के लगाए, 26.25 स्टेडियम में, लेकिन क्लोजर ने गेंद पे आउट कर दिया। दोस्तों रोहित शर्मा मात्र 33 पे आउट हो गए। बात करें सूर्य कुमार यादव की, 24 रनाए 14 गेंद समय के, 1 चौका 2 छक्के लगाए, उसी के तौर पर 13 गेंद थी गेंद हो गए। दोस्तों सूर्य कुमार यादव इस बार 24 पे आउट हो गए। रोहित शर्मा मात्र 33 पे आउट हो गए, 16 गेंद के लिए 2 चौके 3 छक्के लगाए, जो कि शानदार फॉर्म में थे, लेकिन अक्कल हुसैन गेंद से खराब गेंद बोल्ड हो गए। दोस्तों बात करें दीपक हुडा की, 21 रन बनाए, 19 गेंद सामना किया, 2 चौके 10.53 स्टार्ट सामने थे। जोसेफ गेंद पे बोल्डन किंग ने कैच लेते हुए आउट कर दिया। दीपक हुडा मात्र 21 पे आउट हो गए। बात करें पंत की, 34 पे खेल रहे, 25 गेंद सामने किया, 4 चौके 136.3 स्टार्ट बनाए थे। तो ऋषभ पंत अभी 34 पे खेल रहे हैं, सुशील सैमसन 7 पे खेल रहे हैं, 5 गेंद सामने किया। दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा 5 रन मिले, 124 पे 13 ओवर की पहली गेंद, 3 विकेट के नुकसान पे। बात करें रन रेट की तो 9.042 की रन रेट से रन आ रहे इंडिया टीम के। दोस्तों इंडिया स्वयं तौर पर खराब प्रदर्शन से ऋषभ पंत पारी संभालने होगी, 34 रन की बहुत शानदार पारी खेली है, 25 गेंद में 4 चौके जड़े हैं। दोस्तों बात करें पर अपन वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग के बारे में, एक दिन का बॉलिंग का रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार है अभी तक का। दोस्तों बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग के बारे में देखिए, हुसैन 4 ओवर डाले थे, 28 रन दिए, एक विकेट पर नाम किया हुसैन, बहुत ही अच्छे गेंदबाजी, 28 रन दिए थे, 4 के 4 ओवर में एक विकेट लिया। बात करें डोमिनिक 2 ओवर डाले, 4 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, कुछ खबर नहीं, इस बार 0 मिडल ओवर नहीं निकल पाए कि 2 ओवर 4 रन दिए। बात करें अभी मैकॉय की, 2 विकेट 2 ओवर डाले, 36 रन दिए, 0 विकेट। बाजार जोसेफ 3 ओवर डाले, 24 रन दिए, 2 विकेट नाम किया जोसेफ, और कोई बहुत ही लाइव फॉर्म में थे, जैसे 2 विकेट में नाम किए, 24 रन दिए, 3 विकेट लिए। होल्डर 3 ओवर डाला, 21 रन दिए, कौन सा पदस पानी मिली होल्डर को। दोस्तों इस प्रकार से वेस्ट इंडीज की बॉलिंग बहुत ही शानदार रही, शोर तौर बहुत ही बड़े विकेट झटके, ऋषभ पंत दीपक हुडा ने सूर्य कुमार यादव का विकेट लिया उन्होंने। दोस्तों बात करके अपन विकेट पतन के बारे में, इंडिया के विकेट किस प्रकार से गिरे थे, एक के बाद एक विकेट खींचा गया। दोस्तों बात करें इंडिया की विकेट के पतंग के बारे में, फॉलो विकेट विकेट पहला विकेट गिरा था 53 पे, 5वीं गेंद 4थी गेंद रोहित शर्मा के रूप में गिरा था पहला विकेट, दूसरा विकेट 61 पे, दूसरा विकेट गिरा, 6ठी गेंद 23 गेंद सूर्य कुमार यादव के रूप में गिरा था। दोस्तों 5 ओवर तक 2 विकेट गिर चुके थे, बड़े विकेट रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव बहुत ही बड़े विकेट विकेट गिर चुके थे, 61 रन पे 108 पे तीसरा विकेट गिरा दुकड़ा के रूप में, 12 विकेट दूसरे गेंद पे। दोस्तों क्लास से इंडिया की खराब प्रदर्शन से रोहित शर्मा आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव की तो बड़ा बहुत ही बड़े विकेट निकल गए। बात करेंगे अपन बैटिंग के बारे में, देखते हैं अभी तक का। दोस्तों बात करें इंडिया की विकेट पतंग के बारे में, पहला विकेट विकेट पहला विकेट किया था 53 पे, 5 गेंद 4 गेंद रोहित शर्मा के रूप में गिरा था पहला विकेट, दूसरे विकेट 60 पे, दूसरे विकेट गया 6ठी गेंद 3 गेंद सूर्य कुमार यादव के रूप में गिरा था। दोस्तों 5 ओवर तक 2 विकेट गिर चुके थे, बड़े विकेट रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव बहुत बड़े विकेट विकेट गिर चुके थे, 61 रन पे 108 पे तीसरा विकेट गिरा दीपक हुडा के रूप में, 12 के दूसरे गेंद से। दोस्तों इस तरह से इंडिया की खराब प्रदर्शन से रोहित शर्मा आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव दीपक हुडा बहुत ही बड़े विकेट निकल गए। बात करेंगे अपन वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग के बारे में, देखते हैं उनका बैटिंग रिकॉर्ड अभी तक का। दोस्तों बात करें इंडिया की विकेट के पतंग के बारे में, पहला विकेट विकेट पहला विकेट गिरा था 53 पे, 5 गेंद 4 गेंद रोहित शर्मा के रूप में गिरा था पहला विकेट, दूसरा विकेट 61 पे, दूसरा विकेट गिरा, 6ठी गेंद 23 गेंद सूर्य कुमार यादव के रूप में गिरा था। दोस्तों 5 ओवर तक 2 विकेट गिर चुके थे, बड़े विकेट रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव बहुत ही बड़े विकेट विकेट गिर चुके थे, 61 रन पे 108 पे तीसरा विकेट गिरा दीपक हुडा के रूप में, 12 के दूसरे गेंद पे। दोस्तों इस तरह से इंडिया की खराब प्रदर्शन से रोहित शर्मा आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव दीपक हुडा बहुत ही बड़े विकेट निकल गए। बात करेंगे अपन वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग के बारे में, देखते हैं उनका बैटिंग रिकॉर्ड किस अभी तक का। दोस्तों बात करें इंडिया की विकेट के पतंग के बारे में, फॉलो विकेट विकेट पहला विकेट गिरा था 53 पे, 5 गेंद 4 गेंद रोहित शर्मा के रूप में गिरा था पहला विकेट, दूसरा विकेट 61 पे, दूसरा विकेट गिरा, 6ठी गेंद 23 गेंद सूर्य कुमार यादव के रूप में गिरा था। दोस्तों 5 ओवर तक 2 विकेट गिर चुके थे, बड़े विकेट रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव बहुत ही बड़े विकेट गिर चुके थे, 61 रन पे 108 सिक्सों विकेट गिरा दीपक हुडा के रूप में, 12 विकेट दूसरे गेंद पे। दोस्तों इस तरह से इंडिया की खराब प्रदर्शन से रोहित शर्मा आउट हो गए, सूर्य कुमार
यादव दीपक हुड्डा बहुत ही बड़े विकेट निकल गए। बात करेंगे अपन वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग के बारे में, देखते हैं उनका रिवॉर्ड अभी तक का। दोस्तों बात करें इंडिया की विकेट के पतंग के बारे में, पहले विकेट विकेट पहला विकेट गिरा था 53 पे, 5वीं गेंद चौथी गेंद रोहित शर्मा के रूप में गिरा था पहला विकेट, दूसरा विकेट 61 पे, दूसरा विकेट गिरा चौथी गेंद तीसरी गेंद सूर्य कुमार यादव के रूप में गिरा था। दोस्तों 5वें ओवर तक दो विकेट गिर चुके थे, बड़े विकेट रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव के बड़े विकेट दो विकेट गिर चुके थे 61 रन पे, 108 पे तीसरा विकेट गिरा दीपक हुड्डा के रूप में 12वें की दूसरी गेंद पे। दोस्तों इस तरह से इंडिया की खराब प्रदर्शन से रोहित शर्मा आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव दीपक हुड्डा बहुत ही बड़े विकेट निकल गए। बात करेंगे अपन वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग के बारे में, देखते हैं उनका बैटिंग रिकॉर्ड किस रहा है अभी तक का। दोस्तों बात करें इंडिया की विकेट पतंग के बारे में, पहला विकेट विकेट पहला विकेट गिरा था 53 पे, 5वें गेंद चौथी गेंद रोहित शर्मा के रूप में गिरा था पहला विकेट, दूसरा विकेट 61 पे, दूसरा विकेट गिरा छठी गेंद तीसरी गेंद सूर्य कुमार यादव के रूप में गिरा था। दोस्तों 5वें ओवर तक दो विकेट चुके थे, बड़ा विकेट रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव बहुत बड़े विकेट विकेट चुके थे 61 रन पे, 108 तीसरा विकेट गिरा दीपक हुड्डा के रूप में 12वें दूसरे गेंद पे। दोस्तों इस तरह से इंडिया की खराब प्रदर्शन से रोहित कुमार सूर्य कुमार यादव दीपक हुड्डा बहुत ही बड़े विकेट चुके हैं। बात करेंगे अपन बैटिंग के बारे में, देखते हैं उनका बैटिंग अभी तक का। दोस्तों बात करें इंडिया की विकेट के पतंग के बारे में, फॉलो विकेट विकेट पहला विकेट गिरा था 53 पे, 5वें गेंद चौथी गेंद रोहित शर्मा के रूप में गिरा था पहला विकेट, दूसरा विकेट 61 पे, दूसरा विकेट गिरा छठी गेंद तीसरी गेंद सूर्य कुमार यादव के रूप में गिरा था। दोस्तों 5वें ओवर तक दो विकेट गिर चुके थे, बड़े विकेट रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव बहुत ही बड़े विकेट विकेट गिर चुके थे 61 रन पे, 108 तीसरा विकेट गिरा दीपक हुड्डा के रूप में 12वें के दूसरे गेंद पे। दोस्तों इस तरह से इंडिया की खराब प्रदर्शन से रोहित कुमार आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव दीपक हुड्डा बहुत ही बड़े विकेट निकल गए। बात करेंगे अपन वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग के बारे में, देखते हैं उनका बैटिंग रिकॉर्ड किस रहा है अभी तक का।